खजुराहो, वो जगह जो अपनी अद्वितीय और अनोखी मंदिरों और उनकी खूबसूरत कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। छतरपुर मध्य प्रदेश में बसे खजुराहो को यूनेस्को ने 15 अक्टूबर 1982 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट लैंडमार्क एरियाज की लिस्ट में शामिल किया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इस जगह को बेस्ट प्रिजर्व्ड एंशिएंट मॉन्यूमेंट बताया गया है। 1000 साल पुरानी इस शहर को पहले खजूरपुरा या खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। जैसे कि हम सबको इसके नाम से पता चलता है, खजुराहो खजूर यानी डेट पाम से लिया गया नाम है। अगर यहाँ के इतिहास की बात की जाए तो यहाँ प्रमुख चंदेल राजाओं की हुकूमत रही है। यहाँ के भव्य मंदिर भी चंदेल राजाओं द्वारा ही बनाए गए हैं। अगर मिथकों की माने तो चंदेल वंश के राजा चंद्रवर्मन खुद चंद्रदेव यानी चांद के बेटे थे। उनके शौर्य और पराक्रम की कहानियाँ अनगिनत है और अक्सर बुंदेलखंड के लोगों की जुबानी सुनी जा सकती है। कहानियों की माने तो चंद्रवर्मन 16 वर्ष की उम्र में इतने ताकतवर थे कि वो बाघ और शेर जैसे जानवरों को बिना किसी मदद या बिना किसी हथियार के हरा सकते थे। उनकी वीरता को देखकर उनकी माँ हेमवती ने एक यज्ञ किया। यज्ञ करने पर उन्हें पारस पत्थर मिला, जिस वजह से चंद्रवर्मन कालिंजर के राजा बन पाए। चंद्रवर्मन ने कालिंजर किले से इन मंदिरों की शुरुआत की। फिर राजा यशोवर्मन और राजा धंग ने इन मंदिरों को बनाने की बागडोर अपने कंधे पर ली। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच चंदेल वंशजों ने 85 ऐसे मंदिरों का निर्माण करवाया। कहते हैं महोबा से 35 मील दूर बसा खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी हुआ करती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक और सिकंदर लोदी जैसे लोगों के भीषण आक्रमण सहने के बाद भी इन 85 मंदिरों में 24 मंदिर आज भी बचे हैं। ये मंदिर 400 सालों तक गुमनामी के साए में छुपे रहे। 1830 में इन्हें ब्रिटिश डिस्कवरर T.S. बर्ट ने रीडिस्कवर किया। यहाँ सिर्फ हिंदू मंदिर ही नहीं, बड़ी मात्रा में जैन धर्म से जुड़ी मंदिरें भी हैं। अगर इनकी बनावट को देखा जाए तो इन मंदिरों को पूरी तरह से पत्थरों से काट कर बनाया गया है। खजुराहो के मंदिर भारत की अन्य मंदिरों से अलग है। यहाँ शिव, वैष्णव और जैन मंदिर तो है ही, लेकिन इनमें से कई मंदिरों को इरोटिक स्कल्पचर्स से सजाया गया है और यही इन मंदिरों की खासियत है। इन मंदिरों की बनावट प्राचीन भारत में इरोटिक्स और इंटिमेसी को लेकर खुली सोच होने का बयान देती है। ये मंदिरें ना केवल बहुत ही रूमित और सुंदर है बल्कि इसके साथ साथ ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक भी नजर आती है। लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि ये बस मंदिरों के समूहों का 10% कवरेज है। ये मंदिर समूह असल में 4 हिंदू पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को दर्शाते हैं। इन मंदिरों के अंदर मंडला डिजाइन प्रमुख है और इस लहजे को हर मंदिर के गर्भगृह में देखा जा सकता है। इन मंदिरों की बनावट मॉडर्न स्कल्पचर पैटर्न से अलग है। इन मंदिरों को आज की तकनीकों से सीमेंट से चिपकाया नहीं गया था, बल्कि इन्हें सामान्य तरीके से एक के ऊपर एक रखा गया था, जिग्सो पजल्स या लेगो गेम्स जैसे। अगर इन मंदिरों को गौर से देखें, तो इन सब में एक समान शैली नजर आएगी। इन मंदिरों के प्रवेश द्वार अर्ध मंडप कहलाते हैं, जहां से घुसकर आपको मंडप यानी हॉल दिखाई देगा। थोड़े और अंदर महामंडप मिलता है, फिर आता है अंतराल। अंतराल के बाद गर्भगृह मिलता है, जो कि इन मंदिरों के आकर्षण का केंद्र होता है। इसके बाद प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा केंद्र से हम ट्रांसेप्ट की तरफ जा सकते हैं। मंदिर के बाहरी तरफ एक प्लेटफॉर्म जैसी जगह होती है, जिन्हें जागृति के नाम से जाना जाता है। इसके संग ये मंदिर 4 छोटी छोटी मंदिरों से घिरे होते हैं,
इसी वजह से इन मंदिरों को पंचायतन मंदिर भी बोला जाता है। लगभग 24,000 लोगों की जनसंख्या वाले खजुराहो में पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ रेलवेज और एयरवेज दोनों की सुविधा मौजूद है। इन मंदिरों की हर कलाकृति में एक नया आकर्षण छुपा है। क्या पता खजुराहो आकर आपको कुछ नया ढूंढने को मिल जाए।